श्योपुर नगर पालिका की बड़ी नाकामी सामने आई है। वार्ड नंबर 15 में 2008 में मुख्यमंत्री अधोसंरचना से पार्क के लिए जमीन दी गई थी, बाउंड्री वॉल बनाकर इसे छोड़ दिया गया। इसके बाद आज तक नगर पालिका ने इसकी सुध तक नहीं ली। करीब 13 साल पहले ये पार्क के लिए जगह दी गई थी। इससे कि वार्डवासियों का चाह था कि इतना बड़ा पार्क मिलेगा, लेकिन इतने साल होने के बाद लोगों की उम्मीदें टूट गईं। ये पार्क पांच वार्डों के बीचों बीच स्थित है और इस पार्क में एक उर्दू गांधी स्कूल और तीन आंगनवाड़ी संचालित हैं, लेकिन नगर पालिका ने इस पार्क को कचरा घर बना रखा है। इसमें नगर पालिका सफाई भी नहीं करती और नशेड़ियों का अड्डा ये बना हुआ है। लोगों ने धीरे धीरे अतिक्रमण भी इस पर चालू कर दिया है। नगर पालिका ने इस जगह पर लोगों को आवास भी मंजूर कर दिया। इस पार्क को लेकर पूर्व पार्षद श्वेता आशीष चौहान ने कई बार नगर पालिका में आवेदन दिए, अपनी परिषद के टाइम पर पार्क के निर्माण के लिए आवाज उठाई, लेकिन नगर पालिका ने कोई ध्यान नहीं दिया। उसके बाद अब पिछले 3 साल से नगर पालिका प्रशासक के हाथों में चली गई और फिर प्रशासक महोदय और नगर पालिका का कोई ध्यान नहीं है। पार्क में इतनी ज्यादा गंदगी है कि इसमें संचालित एक उर्दू स्कूल, गांधी स्कूल और तीन आंगनबाड़ी में आने वाले बच्चों को डेंगू का खतरा बना रहता है, और इसलिए पूर्व पार्षद आशीष चौहान और कांग्रेस के युवा नेता आशीष सेन ने कलेक्टर महोदय और एसडीएम महोदय से अपील की है कि इस पार्क को संज्ञान में लेकर उसका निरीक्षण कर उचित कार्यवाही करें। इसमें जो कैमरे लगे हुए हैं उनको चालू कराकर इस पर निगरानी रखें, जिससे कि जो नशेड़ी यहाँ पर नशा करने के लिए आते हैं उस पर निगरानी रखी जा सके। तो आशीष जी, आपसे ये पार्क के बारे में जो आप बता रहे थे कि बोला इसका निर्माण नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, तो उसके लिए आपने क्या सीएमओ से अभी तक चर्चा की है इस बारे में? इससे पहले जो सीएमओ थे मिनी अग्रवाल जी, उनसे हमने वार्ड नंबर 13 के पार्षद पति आशीष चौहान जी के माध्यम से एक आवेदन देकर अवगत कराया था। माननीय विधायक बाबू जंडेल जी भी इस पार्क को देखने आए थे, और ये पार्क की जो 14 बीघा की जो भूमि है आप देख रहे हो कि ये अभी आज तक इस पर 2008 के बाद मुख्यमंत्री अधोसंरचना के बाद से इस पर कोई काम नहीं किया गया, और वो काम अगर किया भी गया है तो वो केवल इतना सा किया गया है कि थोड़ी सी मिट्टी समतल करा दी। अब ये मानिए हजारों रुपए से मिट्टी समतल कराई, पर बिल लाखों का बना इसका। अब तीन तो आंगनवाड़ी आती है इसके अंदर, अब आंगनवाड़ियों की स्थिति ये है कि उनकी भी साफ़ सफाई नहीं होती, टॉयलेट व्यवस्था नहीं है उनके अंदर भी सुचारू रूप से, नल भी नहीं है आंगनवाड़ियों में, ना तो आंगनवाड़ी विकसित करा पाए और ना इस पार्क को विकसित करा पाए। आज पार्क में पार्क विकसित ना होने के कारण लोगों का अतिक्रमण और मकान धड़ल्ले से बन रहे, और तो और हमने देखा आगे जाके तो मकान पर प्रधानमंत्री आवास भी स्वीकृत हो चुका है। तो ये सब जो सोई हुई नगर पालिका है उनसे हम अनुरोध करते हैं कि इस पार्क को आकर अवलोकन करें और निरीक्षण करें, क्योंकि ये शहर की कम से भी कम 30,000 आबादी को जोड़ने वाला उनका आस्था का एक केंद्र मानिए आप। यहाँ के लोगों को अगर स्वास्थ्य का लाभ लेना है तो या तो बाईपास पार्क में जाना पड़ता है या स्टेडियम के पार्क में जाना पड़ता है। इसके अलावा ये जो पार्क, ये जो ज़मीन है, ये वार्ड नंबर 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16 कम से भी कम 6 से 7 वार्डों के बीच में, 6 से 7 वार्डों के बीच में है। तो हमारा तो प्रशासन, SDM साहब, CMO साहब और कलेक्टर साहब से यही अनुरोध है कि स्वयं निरीक्षण कर और इसका जो भी आपको मैरिज गार्डन बनाना है तो मैरिज गार्डन, वैसे हमारी डिमांड तो पार्क की है, तो इस पर पार्क को सुनियोजित तरीके से विकसित किया जाए। इसमें जो वृक्षारोपण हुआ था उसमें कितने भी वृक्ष बचे हैं अभी? इसमें शासन की तरफ से तो 500 वृक्ष लगाने का टारगेट था, पर अगर देखें तो 50 भी गिनती से नहीं निकलेंगे, क्योंकि 50 लगाना है, बिल 500 का बनाना। उसके बाद ये स्कूल की स्थिति आप देखिए, स्कूल की स्थिति ये है कि स्कूल में आने से ये बच्चे स्कूल में आ गए, देखिए ये बच्चे भी स्कूल से आ गए, और इनके आने का रास्ता नहीं है अगर बरसात के मौसम में आए, और ये ऐसी गंदगी है जबकि डेंगू का प्रकोप चल रहा है, और यहाँ पर ये जो पूरा ऐसा माहौल बन रहा है बिल्कुल स्मेक्चू जैसा, यहाँ पर ताज के पत्ते भी मिलेंगे आपको, इंजेक्शन भी मिलेंगे, सिरिंज भी मिलेंगे। अभी भी यहाँ पर महिला, ये जो पार्क की जगह है इस पर अभी तक कोई काम नहीं हुआ, इसके के बारे में क्या विचार है आपका, कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भैया बड़े दुर्भाग्य की बात है, आज सुबह पेपर में, भास्कर न्यूज़ में जब हमने पढ़ा कि हमारे अभी वर्तमान जो नगर पालिका के जो CMO हैं उनका वर्जन पढ़ के बड़ा, मुझे बड़ा आश्चर्य ये लगा कि सबसे बड़ी बात, जिस पार्क को बनाने के लिए, विकसित करने के लिए 2008 से परिषद में
मुख्यमंत्री अधूरा संसद से लाखों रुपया उस समय स्वीकृत होके आया और तब ये इसकी बाउंड्री वॉल और जगह को सुरक्षित किया गया उस परिषद द्वारा। और मैं उस परिषद के सभी अध्यक्ष से लेकर सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि अच्छी सोच से उनने कहीं ना कहीं इस जगह को सुरक्षित कर पाए और उसके आगे जो काम था प्रशासनिक तौर पे कि यहाँ पे पार्क डेवलप होना था इस क्षेत्र में, जो शहर की सबसे बड़ी एक आबादी, आधा शहर जहाँ बसता है इससे लगे हुए वार्ड नंबर 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16 इनके मध्य ये आता है और इन पूरे वार्डों के बीच में यहाँ कोई प्लेग्राउंड नहीं है, ना कोई ऐसी मनोरंजन के लिए या व्यायाम के लिए कोई ऐसी, एकमात्र ये स्थान ऐसा है जहाँ पर वो इस शहर के को विकसित करने के लिए, इसके सौंदर्यीकरण के लिए हम यहाँ पार्क डेवलप कर सकते थे। और दुर्भाग्य की बात यह है कि 2008 से लेके आज 2021 तक इन 12-13 सालों तक हम आज तक कोई नगर पालिका और जिला प्रशासन या राजनीतिक रूप से इस ओर से ध्यान नहीं दिया गया। लाखों रुपये खर्च जरूर किए गए, लाखों रुपये इसमें इसके करील इसकी सफाई के लिए, इसकी योजना की बार बार प्लानिंग के लिए किए गए। जिस परिषद में हम लोग रहे उस परिषद में भी हमने देखा कि यहाँ प्लानिंग हुई, एक मत ये था कि मैरिज गार्डन यहाँ बनाया जाएगा और बाकी हिस्से को पार्किंग के लिए छोड़ा जाएगा और लगातार प्लानिंग होती गई, लेकिन अभी तक कोई सुनियोजित कोई ऐसा कार्य नहीं हुआ कि वो अब तक दिखता हो धरातल पर। अभी कुछ उम्मीद इसलिए जागी थी, हम लगे थे कि आज प्रशासक बैठा हुआ है और हो सकता है कि नगर पालिका की जो योजना उस समय बनती नहीं, उनका इम्प्लीमेंट इतना नहीं हो पाया, लेकिन आज की स्थिति में यह प्रशासक बैठा हुआ है, यदि कहीं अतिक्रमण है, यदि कोई और काम होना है, मात्र हम पेपरों में या कागजों में हम सिर्फ फाइलों का काम ना करें, फाइलों का काम करके हम सिर्फ एस्टीमेट मिट्टी हटा दी और इसका जो है इसमें बंदरबाट हो जाए, यहीं तक अभी तक काम हुआ है, इसके अलावा कोई प्लानिंग नहीं हुई। ग्वालियर की कंपनी द्वारा भी इसका सर्वे कराया गया, हमने काफ़ी दबाव बनाया और काफ़ी दबाव बना के सर्वे और पूरी प्लानिंग इसकी हो चुकी है कि क्या होना है क्या नहीं होना है। तो मेरा तो जिला प्रशासन से अनुरोध है, माननीय कलेक्टर जी आज